दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो दोस्तों कौन है वो दिग्गज खिलाड़ी हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बात करें नंबर 10 की, नंबर 10 पर नाम आता है एडम गिलक्रिस्ट का। जी हाँ दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट काफी अच्छे बल्लेबाज जिन्होंने 31 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप के मैचों में, जहां पर 1085 रन बनाए इन्होंने। बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट रहा 98.01 का, जो कि दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे। बात करें नंबर 9 की, नंबर 9 पर नाम आता है महिला जयवर्धने का। जी हाँ दोस्तों, महिला जयवर्धने श्रीलंका काफी बढ़िया बल्लेबाज थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों में 40 मैच खेले थे, जहां पर 1100 रन बनाए थे। वहीं बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट रहा 85.93 का, जो कि दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज। तो बात करें नंबर 8 की, नंबर 8 पर नाम आता है तिलका रत्न दलसान का, जो कि काफी बढ़िया बल्लेबाज थे श्रीलंका के, जहां पर वर्ल्ड कप में मैच में इन्होंने 27 मैच खेले हैं, जहां पर 1112 रन बनाए हैं। और वहीं बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो 92.97 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। अब दोस्तों बात करें हम नंबर 7 की, नंबर 7 पर नाम आता है जैक केलिस का, जो कि साउथ अफ्रीका काफी बढ़िया बल्लेबाज थे, जहां पर वर्ल्ड कप के मैचों में 36 मैच खेले थे इन्होंने, वहीं 1148 रन बनाए थे। बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट रहा था 74.40 का, जो कि दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे। बात करें नंबर 6 की, नंबर 6 पर नाम आता है सनत जयसूर्या का, जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों में 38 मैच खेले हैं, जहां पर ये 1165 रन बनाए। बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रहा 90.66 का, जो कि ये दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे। बात करें नंबर 5 की, नंबर 5 पर नाम आता है एबी डिविलियर्स का, जो कि साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से आते हैं, काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे, जहां पर ये 23 मैच खेले हैं, जहां पर इन्होंने 1207 रन बनाए हैं। वहीं बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट रहा है 170.29 का, जो कि ये दर्शाता है काफी बढ़िया बल्लेबाज थे। अब बात करें नंबर 4 की, नंबर 4 पर नाम आता है ब्रायन लारा का, जहां पर ये वर्ल्ड कप के मैचों में 34 मैच खेले हैं, भाई इन्होंने 1225 रन बनाए हैं। बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट रहा 86.26 का, जो कि दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे। बात करें नंबर 3 की, नंबर 3 पर नाम आता है कुमार संकारा का, जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों में 37 मैच खेले हैं टोटल, और वहीं 1532 रन बनाए हैं। बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट रहा 16.26 का, जो कि ये दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे। बात करें नंबर 2 की, नंबर 2 पर नाम आता है रिकी पॉन्टिंग का, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आते हैं, काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे, जहां पर ये वर्ल्ड कप के मैचों में 46 मैच खेले हैं, जहां पर 1743 रन बनाए इन्होंने। वहीं बात करें इनके स्ट्राइक तो 80.95 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि ये दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज। यहां पर बात करें नंबर 1 की, नंबर 1 पर नाम आता है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर सर काफी बढ़िया बल्लेबाज थे, जहां पर ये वर्ल्ड कप के मैचों में 45 मैच खेले हैं, जहां पर ये 2278 रन बनाए इन्होंने। बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट रहा 88.98, जो कि ये दर्शाता है काफी बढ़िया ये बल्लेबाज थे। तो दोस्तों ये रहे वो 10 दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको कौन से फेवरेट खिलाड़ी है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।